क्या हुआ? फिर से मोबाइल खराब हो गया? तुम नया मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? इसमें आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है। दिखाऊं एक नया मॉडल आया? नहीं नहीं, पापा ने मुश्किल से तो ये सेकंड हैंड फोन दिलवाया। अब बोलूंगी तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। आप पापा को जानते हो ना। तुम चिंता मत करो, मैं इसी को रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है? परेशान मत हो। किशोर भैया मैं चलती हूँ, आप ठीक होने के बाद ना फोन घर पर ही भिजवा देना। ठीक है। आज आने में 10 मिनट लेट क्यों हुआ? कॉलेज तो 3 बजे खत्म होता है ना? वो पापा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई थी, तो मैं किशोर भैया के शॉप पर गई थी। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं ठीक करा लाता। अरे आप आते ही उसके पीछे पड़ गए। 5-10 मिनट लेट हो जाता है कभी कभार। आप भी ना जासिया, तो जाके फ्रेश हो जा। पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, फिकर करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये तो तुम दोनों की मर्जी थी, इसलिए उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, वरना मैं तो उसे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, घर पे भी रहती और डिग्री भी हासिल कर लेती। पता है ना शहर में क्या क्या हो रहा है? याद रखना, कुछ ऊंच नीच हुई ना तो तुरंत तुम दोनों को गाँव भेज दूंगा। आप परेशान मत होइए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी बहुत सयानी, कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। आप शांत हो जाइए। माँ मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ? अच्छा वह तू आ गई, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जाके उतार ला। अच्छा माँ। फोटो भेजा यार उसने, क्या देख रही है वहां एकदम? कड़क है यार, कड़क एकदम, एक नंबर है एकदम। ये उदिक भाई, उदिक उदिक उदिक, ये वही लड़की देख। हाँ यार ये तो वही है। नंबर नंबर चलती है क्या? चली गई हो तो अरे सिया क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्या लग रही है? सब ठीक है ना? अरे सुन सिया, एक रात का कितना लोगी? अरे जवाब तो दो सिया रानी, एक रात का कितना लोगी? अरे बोलो। अरे सियारानी क्या हो गया, जवाब तो दे दो। ये कौन है और उसे मेरा नाम कैसे पता? अरे सिया बेटा आओ खाना खा लो। Thank you.
खड़ी क्यों हो? बैठो। तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारियां कैसे चल रही है? ठीक चल रही। ठीक नहीं, अच्छी चलनी चाहिए। मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, समझी ना? आप फिर इसके पीछे पड़ गए? आपसे ज्यादा इसे अपनी पढ़ाई की चिंता है। आप खाना खाइए, फिकर मत कीजिए। तू खाना खा बेटा। ये इतनी रात गए, किसके मैसेजेस आ रहे हैं? दिखाओ। वो पापा मोबाइल नेटवर्क कंपनी से है। आज सुबह से बार बार मैसेज आ रहा है। मैडम आपने बुलाया था? हाँ, अंदर आओ। वो सिया के बाथरूम का नल खराब हो गया है, जरा ठीक कर दे। जी जी। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ में फोटो के साथ ऐसे बहुत कुछ है हमारे पास और भी है, समझी? अगर तू चाहती है कि हमारी बोलती बंद रहे, ये पकड़ो और जैसा लिखा है वैसा करो, समझी? हद को जगह बनाकर मिलो वरना ये सारी पिक्चर्स ना भर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। सिया, तेरे लिए दूध ले आऊं, आज तुमने पिया नहीं। क्या बात है, तू ठीक तो है ना? मुझे पता है सिया, तू अपने पापा को लेकर थोड़ा उदास रहती है, लेकिन तू तो उनको जानती है ना बेटा, वो ऐसे ही हैं। बस तू अच्छे नंबर ले आ, फिर देखना वो कोई रोक टोक नहीं करेंगे, तुझ पर उनका विश्वास और बढ़ जाएगा। चल अब पढ़ाई पे ध्यान दे, टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। Thank you.
मैंने वैसा ही किया। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, तो मेरी फोटोज डिलीट कर दो ना। अच्छा कर देंगे डिलीट, पर तुम्हें हमारे लिए पहले कुछ करना होगा। देखो बहुत हुआ, मैं तुम लोग से डरने नहीं वाली हूँ। तुम लोग मेरी फोटोज डिलीट कर दो, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये हमारा कंप्लेन करेगी? हम इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल तो कर ही रहे हैं, कर दो कंप्लेन। धमकी? अच्छा एक काम करो, ये लो फोन, खुद ही डिलीट कर दो। ये करना है? लो लो कर दो, कर दो, आ जा, कर दो। अच्छा किशोर भैया, ये लोग के पास मेरी फोटोज है, प्लीज मुझे बचा दो। किशोर भैया ये क्या कर रहे हो? ज्यादा चू चा नहीं करने का, जो बोल रहे हैं ना वही करना है तुम्हें। और तुम लोग, एक लड़की नहीं संभाली जाती तुमसे? भैया नहीं, अब सैया बोलने की आदत डाल लो। फोटोग्राफ्स देखिए ना मोबाइल में, सब मैंने लीक किए हैं। मैं फंसाने के लिए इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी मशक्कत की है, थोड़ा प्रसाद तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। और हाँ, चिल्लाने और भागने के लिए सोचना भी मत, ये तो सारी फोटोज है ना, पूरे शहर में वायरल हो जाएंगी। और अगर वायरल हो गई तो बाहर वाले तो छोड़ो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ क्या करेगा? प्लीज मुझे जाने दो। हाँ हाँ तुम्हें जाने देंगे, बस जिस चीज के लिए तुम्हें लाए हैं चुपचाप वो कर दो, जाने देंगे। पता नहीं इतनी रात को कहां चली गई, बता के भी नहीं गई। सिया कहां चली गई थी? क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? बता के तो जाना चाहिए था बेटा। सिया क्या बात है, इतनी रात गए हॉल में, तुम दोनों क्या कर रहे थे? वो सिया को नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठकर बातें कर रहे थे। आप चलिए कमरे में, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ये इतनी रात में कहाँ गई थी? Ah!
सच में नींद नहीं आ रही थी या कोई और बात? और क्या बात हो सकती है? बस पूछ रहा हूँ यही जानने के लिए कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। अरे मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? जो भी है, तुम्हारे कहने पर उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, अब सिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। Cheers, yes. किशोर भाई, मान गया आपको, आज आपने हमारी प्यास बुझा दी। भाई लेकिन पिछले बार जो लड़की थी ना वो तो ठीक थी, पर इस बार वाली तो बहुत जबरदस्त थी भाई। यार देखो लड़कियां बहुत हैं, लेकिन हर लड़की तो मोबाइल ठीक करवाने आती नहीं। अब अगर मोबाइल नहीं तो फोटोज और वीडियोस नहीं, और अगर वो नहीं तो ब्लैकमेलिंग नहीं। तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारियां कैसे चल रही है? ठीक चल रही। ठीक नहीं, अच्छी चलनी चाहिए। के लिए आवाज लगा रही, बाहर क्यों नहीं आई? तेरे पापा ऑफिस चले भी गए और अभी तक तू कमरे में ही है। सिया, तू रो क्यों रही है? सिया बोल ना, ये निशान कहीं गिर गई थी तू? लग गई तुझे? ये सब कुछ सिया जल्दी बोल, क्या हुआ? बोल ना बेटा क्या हुआ? नहीं बताएंगे, तू शांत हो जा, मैं हूँ, सब संभाल लूंगी। हाँ भाभी जी प्रणाम, कैसे याद किया? किशोर तुम अभी घर आ सकते हो, काम है। हाँ 10 मिनट में पहुंचते हैं ना, आ रहे हैं। ठीक है। प्रणाम भाभी। आओ किशोर। भाभी जी आपने अचानक बुला लिया, वो कुछ काम था क्या? दुकान पे जाना है, कोई है नहीं दुकान पे ना, इसलिए। सब पता चल चुका है मुझे, उन्हें मेरी बेटी सिया के साथ क्या किया है। शर्म नहीं आई तुझे एक बच्ची के साथ ये सब करते हुए? अरे भैया मानती है वो तुझे। चल उसके फोन से जितने फोटोज लिए ना सब डिलीट कर, अब भी डिलीट कर, मैं कहती हूँ डिलीट कर, डिलीट कर। क्या भाभी जी थका दिया आपने, इतनी ताकत
फोन चाहिए? फोटोज डिलीट करने? ठीक है, सब डिलीट कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखिए, आप चाहती हैं ना मैं सिया का पीछा छोड़ दूं, उसे परेशान ना करूं, है ना? तो उसकी जगह आप ले लीजिए। ये हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? हाँ, मुझे लगा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब पुलिस ही तुझे ठीक करेगी। रुक, तो अभी मैं बताती हूँ। हाय हाय, वैसे एक बात बताएं भाभी जी, ये जो पुलिस का चक्कर है ना, बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा। आप तो बस ये वीडियो देखिए, कितनी मजेदार है आपकी बेटी सिया, है ना? दे दे मुझे, छोड़, डिलीट कर। अरे आप करिए ना, फोन कीजिए ना पुलिस को, करिए, पर याद रखिए, अब ये फोटोज और वीडियोस दोनों वायरल होंगे पूरे शहर में, और तब मैं देखता हूँ भाभी जी कि आप अपनी परिवार की इज्जत और अपनी बेटी सिया की इज्जत कैसे बचाती हैं। जिस तरह पुरानी वाइन नशा दुगना कर देती है ना, उसी तरह आप मजा दुगना कर देंगी भाभी जी। अब फैसला आपके हाथ में है, सिया के बदले आप, या फिर ये वीडियो वायरल हर जगह, सोच लीजिए। भाई इस घर में तो हरियाली ही हरियाली है, मान गए हरीश भैया को, काफी हरा भरा कर रखा है।
क्या बात है, आज तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? थोड़ी थकान है बस, और कुछ नहीं। लगता है पढ़ाई जोर शोर से चल रही है। वैसे तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? 2 हफ्ते बाद। डिस्टिंक्शन याद है ना? और हाँ, आज से टीवी मोबाइल सब बंद, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, समझी? मुझे अभी मिलना है तुमसे। तुम्हें पता है ना ये घर पर है, कभी भी फोन कर देते हो। हमें परेशान करना बंद करो प्लीज। परेशान भाभी, परेशान तो आपने मुझे कर दिया है, इसीलिए गुस्सा कम। और ये बोलो, मिल कब रही? मैं तुमसे नहीं मिलने वाली, समझे तुम? बकरी मिमियाना छोड़ के गुर्राने लग गई, लगता है औकात दिखानी पड़ेगी। नमस्ते भैया जी। अरे किशोर, कैसे आना वो? भैया जी, वो आपकी घड़ी खराब हो गई थी ना, तो मैं सोचा यहीं से निकल रहा था तो लेते हुए जाता हूँ और शाम तक लौटा देता हूँ। आओ अंदर आओ, आओ बैठो। अरे भैया, हम तो भूल ही गए थे, अच्छा हुआ तुम्हें याद रहा। अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? किशोर जरा, मैं थोड़ा सा काम निपटा। जी भाई। अरे सुनो, वो जो मेरी घड़ी अंदर बंद पड़ी है ना, वो ले आ। जी। भाभी जी, अचानक से मोबाइल क्यों छीन लिया? अच्छा खासा न्यूज देख रहे थे भैया। ये क्या हरकत है, तुमने फोन क्यों छीना? वो मैं सिया के लिए नया मोबाइल लेने का सोच रही थी ना, अच्छा लगा देखकर तो सोचा मॉडल देख लेती हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी, हमारे दुकान में बहुत ढेर सारे मोबाइल पड़े हैं, आप कभी भी आके देख सकती हैं, मैं दिखा दूंगा। भैया मैं चलता हूँ, घड़ी बना के शाम तक पहुंचा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी भाभी जी आ जाएंगी लेने, चली जाना। इतना इंतजार कराया भाभी जी आपने हमें, आइए अंदर आइए।
किशोर, ये सब कब तक चलेगा? प्लीज मुझे और मेरे परिवार को बच दो। माहौल मत खराब कीजिए भाभी जी। एक मिनट, ये देखिए भाभी जी, आपके लिए हम तोहफा लाए हैं, बहुत प्यार से लाए हैं, लीजिए। हमने कहा लीजिए। इस तोहफे को खोलिए ना। है ना खूबसूरत? अब एक काम कीजिए, इस तोहफे को पहन कर आइए। मैं नहीं पहनने वाली इसे। हम आपसे पूछ नहीं रहे भाभी जी, बोल रहे हैं आपको लीजिए, प्लीज हर पहन कर आइए। हाय, भाभी जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। किशोर मैं थक गई हूँ, तुमने कहा था ना तुम सारे वीडियोस डिलीट कर दोगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डिलीट कर दो ना। अरे भाभी जी आप हाथ मत जोड़िए, एक बात बताइए भाभी जी, पिंजरे में बंद मैना को कोई ऐसे ही छोड़ देता है? नहीं ना भाभी जी, अभी फालतू बात का समय नहीं है, इतनी सजावट की है आपके लिए, इतना सब कुछ किया है, तो जिस चीज के लिए मेहनत की है वो कर लेते हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? ये कभी ठीक नहीं होने वाला माँ, क्या करूँ सिया? पुलिस को सब बता दूँ कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, बता दूं कि उसने वीडियोस बनाए जो वायरल करने की धमकी दे रहा है वो, बता दूं कि ब्लैकमेल कर उसने मेरे साथ भी। माँ ये सब मेरी गलती है ना माँ, ना मेरा मोबाइल खराब होता, ना मैं उस दुकान में जाती, ना ही वो मेरे गंदे फोटोज इस्तेमाल करता माँ। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझी? लेकिन कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे माँ? पापा को बता देते हैं ना? नहीं सिया, मैंने तुझे पहले भी मना किया है, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, तुझे क्या लगता है वो समझेगी ये बात? अरे तो घर से बाहर निकलती है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इतना सब कुछ हो गया ये जानकर बताना वो क्या कर देंगे? नहीं सिया, तू उन्हें कुछ नहीं कहेगी, समझे? माँ वो किशोर के जंगल से हम कैसे बच पाएंगे माँ, बताओ। बच जाएंगे पिता, बच जाएंगे, तू चिंता मत कर।
अरे किशोर आओ। अरे भाई जो तुमने उस दिन घड़ी बना के दी थी ना वो फिर से खराब हो गई। तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। भैया वो अभी जी नहीं दिख रही हैं। वो बाहर गई है, बस आती होगी। तुम बैठो ना। हाँ। ये लो गाड़ी, यही बंद हो रही है। आज बड़े अच्छे समय पे आए हो, आज पीने का बड़ा मन है तो हो जाए। ये जी आप ही पीजिए। अरे शर्मा क्यों रहे हो किशोर। हाँ ये लो। चीयर्स। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। ये जी वो सब तो गांव में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। अरे पता है आज मैंने वो इंग्लिश में क्या कहते हैं वो वायरल वीडियो, आज मैंने एक वायरल वीडियो देखी। अच्छा अच्छा क्या क्या वीडियो था। पता नहीं कोई कॉलेज की लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी। वो जो चाय वाला है ना वहाँ पे कुछ लड़के देख रहे थे ये वीडियो, तो मेरी भी नजर पड़ी। और मजे की बात क्या है पता है, वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, वो जो प्लम्बर है ना वो था, और उसके साथ में कोई और भी था। अच्छा पता नहीं भैया जी अब वीडियो किसका था आपने देखा। नहीं अभी तक तो नहीं देखा लेकिन अब देखूंगा। चल ला तेरा फोन दे। भैया जी आप क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आया हूँ, रुक अभी समझाता हूँ। मेरे घर के अंदर मेरी बीवी और बेटी के साथ। ये जी भैया मेरी बात सुनिए। साले भैया जी मेरी बात सुनिए। तेरी बात सुनूं क्या, सुनूं मैं तेरी बात। हाँ साले देखिए मेरा भी हाथ उठ जाएगा। तेरा हाथ उठेगा। हाँ हाथ उठा उठा के दिखा तेरा हाथ दिखा। साले तू रुक मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। रुक जाएंगे सिया, बच जाएंगे। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी मैं, सब संभाल लूंगी। तू बस चिंता मत कर, मत कर। आज तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? इतनी रात गए हॉल में तुम दोनों क्या कर रहे थे? पता नहीं पापा ने हम दोनों को अचानक बाहर क्यों भेज दिया। हाँ कुछ समझ नहीं आया ना। पता नहीं ये सब क्या है हरीश। मुझे पहले पता होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम दोनों रोज मरते रहे लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं पाए, शायद मेरी ही गलती थी।
जो मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाया। हर वक्त उस चीज के लिए टोकता रहा जो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, जिसके वजह से तुम दोनों मुझसे दूर हो गए। मैं टोकता नहीं था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा बोलना तुम दोनों के दिलों में डर पैदा कर देगा। ऐसा डर जो शायद मेरे बताने से ज्यादा तुम दोनों को ये झेलना सही लगा। लेकिन अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारे साथ ना सिया के साथ। सर, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था। ये मेरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा था, मैंने इसे मार दिया। इसके साथ दो लोग और भी हैं। विजय, एम्बुलेंस को बुलाओ। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा।